रिकॉर्ड स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का के अंदर हमने एल्केन्स किया था। ठीक है, कल हमने एल्केन्स के रिएक्शंस देखे थे और ये देखा था कि एल्केन्स कितने टाइप्स के रिएक्शन देते हैं, कंबस्शन, क्रैकिंग एंड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसके अंदर ना एक छोटा सा टॉपिक जो मैं ऐड कर दूं, आइसोमर्स का मैंने कल आपको आइडिया तो दिया था, लेकिन उसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स और देखते हैं। ठीक है, आइसोमर्स ये हमने करना था। आइसोमर्स की मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी ना, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। और मैंने आपसे कहा था स्टीरियो हमारे सिलेबस में नहीं है, एएस में है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी और एक एग्जांपल भी देखी थी। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ये होते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग, फिर उसके बाद बेटा हम अल्कीन स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया ना बेटा, तो उनको अल्कीन से ज्यादा अच्छा समझ आएगा, क्योंकि अल्कीन का फिर पीछे से लिंक नहीं है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये है, देखें इसमें एग्जाम्पल जरा देखिएगा। हमारे पास है, कल भी एक एग्जाम्पल देखी थी ना बेटा हमने, जरा बताइएगा। C4H10 कल एक एग्जाम्पल हमने देखी थी। ठीक है, तो आज बेटा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें कल हमने देखा था 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। आज मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराता हूँ, C4H10। ये बेटा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और किसका फॉर्मूला है? ये अल्केन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैंने ये कहा है कि आइसोमर्स ये होते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, वो डिफरेंट होगा। कैसे? ये देखो, 4 कार्बन है ना, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। एक अरेंजमेंट तो ये हो सकती है कि मैं चारों कार्बन को एक लाइन में अरेंज करूं और फिर इनके साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दूं ऐसे। ये देखें, ये आपके पास है बेटा, ये आपके पास है ब्यूटेन। ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर ये है। जिन बच्चों ने ना, जिन बच्चों ने आज, जिनकी फर्स्ट क्लास है ना, उनको हम एल्कीन अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन 10-15 मिनट में। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट पहले बच्चों को दे दूं, फिर हम एल्कीन स्टार्ट करेंगे। ये तो बेटा ब्यूटेन है, नॉर्मल चेन जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं आ रही, लेकिन मैं क्या इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर भी बना सकता हूँ? यस, बना सकता हूँ। कैसे? ये देखें, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें कि आपके पास चारों कार्बन एक ही चेन में आ रहे हैं, लीनियर। लेकिन अगर आप इस तरह करें कि 3 कार्बन की चेन बनाएं ऐसे करके, और ये जो फोर्थ कार्बन है ना बेटा, ये फोर्थ कार्बन, इसको आप ब्रांच बनाएं सेकंड स्ट्रक्चर में ऐसे, ये मिडल वाले कार्बन पर लगा दें। अब आप बेटा इनके बॉन्ड्स पूरे करें, बॉन्ड्स कार्बन के बॉन्ड्स पूरे कर लें। ये एक हाइड्रोजन, ये इस कार्बन के बेटा 3 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। इधर आ जाओ, जो है ना बैटरी डेड है। अच्छा, बड़ा इस कार्बन की, जो कार्बन नंबर 2 है, कोई बच्चा मुझे बताएगा इसके साथ मैं कितने हाइड्रोजन्स अटैच करूं ताकि इसके बॉन्ड्स पूरे हो जाएं? वन वन हाइड्रोजन, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं ना भाई आपने, इसके साथ एक हाइड्रोजन। ये जो बेटा कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच होने चाहिए ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए? 3 हाइड्रोजन्स इधर। और ये जो बेटा नीचे आपको एक ब्रांच नजर आ रही है, ये इस कार्बन के साथ भी तो हाइड्रोजन लगाने हैं। अब आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि क्या इन दोनों मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, ए और बी का स्ट्रक्चर, सेम या डिफरेंट? ये बता दें बस। डिफरेंट डिफरेंट है। इसको आप कहते हैं, जिनको नेमिंग आती है, इसको आप कहते हैं ब्यूटेन। कोई बच्चा इसका नाम बताएगा बेटा, जिसने नेमिंग पढ़ी है? कोई बच्चा इसका नाम बता दे, अगर ये कार्बन नंबर 2 पर ब्रांच लगा हुआ है, CH3, टू मिथाइल। शाबाश, 4 कार्बन, 3 कार्बन रह गए भाई मेन चेन में, 4 कहाँ से हैं? टू मिथाइल
प्रोपेन। हाँ प्रोपीन, जी बेटा क्या कहते हैं, ठीक नाम बताया, ये टू मिथाइल प्रोपेन, ये ठीक नाम है या नहीं भाई? सही यस सर, सही है। नाम है। और इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। तो बेटा आइसोमर्स क्या होते हैं जरा सुने, फिर दोबारा सुने, आइसोमर्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, डेफिनेशन और एग्जांपल लास्ट भी पूछेगा आपसे। आइसोमर की डेफिनेशन मैंने ये बताई है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आप देख सकते हो बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, C4H10, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये देखो यहां पर ये एक है ब्यूटेन, एक ब्यूटेन बना रहा है, और सेकंड स्ट्रक्चर क्या है बेटा, टू मिथाइल प्रोपेन। दोनों का अगर स्ट्रक्चर सेम होता तो नाम भी तो सेम होना था ना, इसका मतलब है स्ट्रक्चर सेम नहीं है तभी तो डिफरेंट नाम आ रहे हैं। तो दीज टू आर दी आइसोमर्स, ये दोनों आइसोमर्स हैं, ठीक है बेटा। ये आइसोमर्स ना हम साथ साथ भी करते रहेंगे, मैं भी अल्कीन स्टार्ट करता हूँ ना, उसमें भी आपको आइसोमर्स सिखाऊंगा। तो आज बेटा हमने अल्कीन स्टार्ट करना है, अल्कीन्स। ये जरा देख बेटा, देखिएगा आज का हमारा लेसन है अल्कीन्स। जिन बच्चों ने बेटा पहले अल्केन नहीं पढ़ा ना तो वो इसको यहीं पर स्किप कर दें, कोई परेशान होने की बात नहीं है, अल्कीन्स पहले पढ़ लें। अल्केन्स की मैं रिकॉर्डिंग उनको सेंड करूंगा एक एक करके, तो वो उनका अल्केन्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अल्कीन से स्टार्ट करते हैं। अल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है अल्कीन की। अगर एग्जामिनर पूछेगा ना व्हाट आर अल्कीन्स, व्हाट आर एल्कीन्स, तो बेटा ये सबसे बेस्ट आंसर है जो मार्क्स स्कीम में लिखा होता है। और इसके दो मार्क्स हैं, एक मार्क होता है अनसेचुरेटेड बताने का, दूसरा मार्क होता है हाइड्रोकार्बन। अब अनसेचुरेटेड क्या होता है इसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर लेते हैं, व्हाट इज अनसेचुरेटेड। कोई बच्चा सहर बताएंगे अनसेचुरेटेड क्या होता है बेटा, सहर व्हाट इज अनसेचुरेटेड? सर, अनसेचुरेटेड का बेटा मतलब ये होता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जिन कंपाउंड्स में बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा ना, जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा उसको आप क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड। और हाइड्रोकार्बन पता है किसको कहते हैं, दोस कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बेटा, कोई आप में से कोई बच्चा मुझे एग्जाम्पल देगा कि कोई ऐसा अल्कीन जो हम अपने खाने में यूज करते हैं, बताएं, हर रोज यूज करते हैं, इतना मैं आपको बता देता हूँ, उसके बगैर जो है ना बेटा आपका फूड कुक ही नहीं होता, आप बताएं। नहीं मतलब उसके सर, बगैर आपका खाना इथिन, बने क्या होगा इथिन भाई? नहीं, आप मुझे बताएं डेली लाइफ में ना कोई कौन सा ऐसी चीज है वो डेली लाइफ की, उस चीज का नाम बताएं जिसमें अल्कीन होता है, स्टोव में गैस जो आती ठीक है। उसको तो है। आप बेटा बर्न करते हैं मान लिया, लेकिन अब मैं खाने की चीज पूछता हूँ, आप उसको ये कहेंगे ये जो ऑयल्स होते हैं ना, ऑयल जिसमें आप खाना बनाते हैं, ऑयल जितने भी ऑयल है ये अल्कीन्स होते हैं भाई, जितने भी ऑयल्स हैं इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और आप लोगों को बेटा ऑयल और घी में डिफरेंस पता है, घी क्या होता है, व्हाट इज घी, वेजिटेबल जिसको मार्जरीन बोलते हैं, वेजिटेबल घी या मार्जरीन, मार्जरीन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा, लिक्विड सॉलिड मार्जरीन या घी की सॉलिड सॉलिड होता है बेटा, ऑयल क्या होता है लिक्विड, ऑयल क्या है लिक्विड, ये जो मार्जरीन होता है जिसको आप घी कहते हैं ये सॉलिड होता है। अच्छा ये ऑयल, ये जो घी है ना बेटा ये ऑयल से बनता है, याद रखिएगा घी जो है ये अल्केन है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ऑयल जो है ये अल्कीन है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो ये बात भूलनी नहीं है आज के बाद कि जो आप ऑयल यूज करते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनमें अल्कीन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं बेटा अल्कीन्स का, अब वो क्वेश्चन ये कह सकता है आपको कि व्हाट इज दी जनरल फॉर्मूला, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया ना व्हाट इज एल्कीन, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n+2, सर, CnH2n, ये हो गया भाई। देखिए
जितने इसमें कार्बन होंगे ना बेटा, हाइड्रोजन उससे डबल होंगे, जितने इसमें कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल। एन पता है यहां पर क्या चीज है, लिख लें साइड पर, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। अच्छा, जितने इसमें कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके टाइम्स टू हो जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने पहले एल्केन पढ़ा था, बेटा एल्केन के फर्स्ट मेंबर का नाम क्या था? एल्केन के फर्स्ट मेंबर का जिसमें एक कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं? मीथेन। 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 एल्केन के सेकंड मेंबर का नाम जिसमें दो कार्बन होती है उसको क्या बोलते हैं? ईथेन। लेकिन अगर मैं आपसे एल्कीन का पूछूं, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो मीथेन एल्कीन्स के अंदर जो फर्स्ट मेंबर होगा वो पता है कौन सा होगा? कितने कार्बन वाला होता है जी फर्स्ट मेंबर? ईथेन होता है। क्या मीथेन एग्जिस्ट करेगा ये बता दो। होगा सर, ईथेन होगा। मीथेन नहीं, नहीं क्योंकि उसमें सिंगल होगा, ईथर बॉन्ड। नहीं। और बेटा मीथेन इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता, मीथेन इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता, देखो अगर आप कहते हो ना जी कि ये फॉर्मूला हमने यूज करके CnH2n एल्कीन्स के मेंबर्स का फॉर्मूला देखना चाहते हो, इफ एन इज इक्वल टू वन, चले एक मिनट लगाते हैं, एन की जगह वन रखे ना, C1 और H2, तो बेटा ये तो CH2 बने हैं, ये तो कार्बन के बॉन्ड्स ही पूरे नहीं हो रहे। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? मिनिमम फोर बॉन्ड्स, यहाँ पर तो दो बॉन्ड्स हैं, ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो याद रखें एल्कीन्स का जो फर्स्ट मेंबर है वो मिनिमम दो कार्बन से स्टार्ट होता है, तो एल्कीन्स में जो उसके मेंबर्स हैं वो जरा देख लें, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला CnH2n, इफ एन इज इक्वल टू टू, तो बेटा एन की जगह टू रखें ना, फॉर्मूला खुद ब खुद बनेगा, एन की जगह टू रखें तो C2 और H कितना हो जाएगा? फोर। और ये होगा जी देखें ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये है आपका अल्कीन, दिस इज अल्कीन। आठ कार्बन तक याद रखें बस बेटा। अब इसके बाद इफ एन इज इक्वल टू थ्री, तीन कार्बन अगर लेते हैं बेटा तो एन की जगह थ्री रखो ना, C3 और एच क्या हो जाएगा इब्राहिम? सिक्स। अब सिंपल सी बात है, अगर फॉर्मूला नहीं यूज करना, बस जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल करते दो, तीन कार्बन है तो हाइड्रोजन सिक्स कर दो, फॉर्मूला बनेगा C3H6। अब देखो आपने तीन कार्बन है ना, पहले तीन कार्बन ड्रॉ करो बेटा, 1 2 एंड 3, ये तीन कार्बन ड्रॉ कर लिए। अब ये तीन कार्बन ड्रॉ करने के बाद आपने बेटा यहां पर एक डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है, या इधर ड्रॉ कर दो या इधर, एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया, अब आप इनके बॉन्ड्स पूरे कर लें, ये कार्बन वन है सपोज, ये कार्बन टू, ये कार्बन थ्री, बट कार्बन वन ऑलरेडी दो बॉन्ड्स बना रहे हैं ना, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स लगाऊं? दो हाइड्रोजन्स, चार बॉन्ड पूरे हो गए ना कार्बन वन के। कार्बन टू कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा? कार्बन टू तीन बॉन्ड्स पहले से बना रहा है, तो कितने हाइड्रोजन्स लगेंगे इसके साथ? एक हाइड्रोजन। कार्बन नंबर थ्री देखो, कार्बन नंबर थ्री एक बॉन्ड बना रहा था तो उसके साथ तीन हाइड्रोजन्स लगेंगे। अब ये तीन कार्बन है ना बेटा, तो इसको कहते हैं प्रोपीन, क्या बोलते हैं इसको? प्रोपीन। इसी तरीके और ये दो कार्बन है तो इसको क्या बोलते हैं? एथ। और ईन कहते हैं बेटा, ईन इसका फैमिली नेम है। ईन क्या है? फैमिली नेम। जिस कंपाउंड के आखिर में ईन आ रहा होगा ना, समझ जाना कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है? अभी इसके रिएक्शंस देखेंगे ना, फिर आप देखिएगा कि ये किस टाइप के रिएक्शन देते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट, इफ एन इज इक्वल टू फोर, अगर चार कार्बन हो तो बेटा आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H8, C4H8, और कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री एंड कार्बन नंबर फोर, आपकी भाई मर्जी है, जहां मर्जी एक डबल बॉन्ड ड्रॉ करो, एक बस, ये एक डबल बॉन्ड ड्रॉ कर दिया। अच्छा इस चीज का एहतियात करना बेटा, जहां पर डबल बॉन्ड ड्रॉ करोगे ना वहां पर आपने हाइड्रोजन एहतियात से लगाने हैं। देखो इस डबल बॉन्ड की जगह यहाँ एक हाइड्रोजन इधर आएगा, और ये भी ऑलरेडी तीन बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो एक हाइड्रोजन इधर आएगा। ऊपर हाइड्रोजन लगा सकते हैं बताइए जरा? नहीं, क्यों नहीं लगा सकते बेटा? अगर ऊपर हाइड्रोजन लगा दिया ना यहाँ पर आपने, तो देखिए ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, जरा काउंट करें, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 5। फाइव। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आपने जहां डबल बॉन्ड बन रहा होगा वहां पर बड़े एहतियात से हाइड्रोजन लगाने। अब बाकी हाइड्रोजन बेटा आप पूरे कर दो, ताकि हर कार्बन के चार चार बॉन्ड्स पूरे हो जाएं।
तो ये बेटा आपके पास इसका नाम पता है क्या होगा, देखिए जरा इसका नाम, ये कार्बन नंबर वन, ये कार्बन नंबर टू, ये कार्बन नंबर थ्री, ये कार्बन नंबर फोर, बड़ा चार कार्बन है। इसको आप ना ब्यूटीन नहीं कह सकते बेटा, ब्यूटीन इसका नाम गलत होगा, क्योंकि आपको अब ये भी बताना है भाई कि ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पर है, किन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, टू और थ्री के दरमियान ना। तो आप बताओगे ब्यूट, पहले तो लिखोगे बेटा ब्यूट, ब्यूट लिखोगे, ब्यूट का मतलब है चार कार्बन। फिर आप लिखोगे कि ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन टू और थ्री के दरमियान है, तो जो लोअर नंबर है उसको लिख दोगे ब्यूट टू, और फिर इन लिखोगे, इन बता रहा है आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन बताता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और टू उसकी पोजीशन है, इसका नाम होगा ब्यूट टू इन। ठीक है जी, ये ब्यूट टू इन है। इसी तरीके से इफ एन इज इक्वल टू फाइव, अब जरा यहां पर जो फाइव वाला कर रहे हैं मैं इसके आइसोमर्स बेटा बनाऊंगा, आइसोमर्स जरा आइसोमर्स भी देखिएगा इसके, चलेंगे नीचे करता हूं, ये नोट्स मैं भी आपको सेंड कर दूंगा क्लास के बाद। इफ एन इज इक्वल टू फाइव, अगर पांच कार्बन है ना बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव, बेटा आप डबल बॉन्ड लगाओ, यहां डबल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं सपोज, बाकी आप हाइड्रोजन पूरे कर दो, वन टू वन वन टू वन टू वन टू थ्री, ये जी ये हो गया। अब देखें बेटा आपने इसको नाम देना है ना, आपने इसको नाम देना है अगर, तो आप पहले ये देखा करें कि इसके अंदर टोटल कार्बन कितने हैं, पांच कार्बन है, तो इसको आप कहेंगे पेंट, पांच कार्बन को क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पेंट। बेटा आपने काउंटिंग वहां से देखो, दो साइड है ना, एक ये साइड है, ये काउंटिंग वहां से करनी है, नंबर वहां से असाइन करना है जहां से डबल बॉन्ड जल्दी आए, तो आपको काउंटिंग करनी है फ्रॉम दी राइट साइड, राइट साइड से काउंटिंग करनी है, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर एंड कार्बन नंबर फाइव, ये है जी। पर इसका नाम क्या होगा, पेंट तो हमने बता दिया, पांच कार्बन है, डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर आ रहा है भाई, वन और टू में आ रहे हैं ना, तो आपने लोअर नंबर बताना होता है, पेंट वन, और इन क्या बताएंगे कि डबल बॉन्ड है। अच्छा मैं चाह रहा था इसका आइसोमर आपसे बनाऊं बेटा, आइसोमर पता है क्या करना है, फोरन ब्रांचेस पर नहीं आना, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी तो है ना, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर दो, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करो कैसे, ये देखो पांच कार्बन, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, बेटा मैं डबल बॉन्ड अब ड्रॉ करता हूं इधर, ये अब मैं इसके हाइड्रोजन भी पूरे कर रहा हूँ, हाइड्रोजन बड़ा जहां डबल बॉन्ड आ रहा है वहां एक एक हाइड्रोजन, क्योंकि इसके चार बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, और दरमियान वाले कार्बन में दो, जो टर्मिनल पर कार्बन आ रहा है उसके साथ तीन हाइड्रोजन, ये जी। अब बेटा जरा देखना, अब आपने इसको नाम देना है ना, शाबाश, कोई ऐसा बच्चा नाम दे जिसका आज फर्स्ट डे है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका नाम दे जरा क्या बनेगा, पेंट, पेंट हो गया पांच कार्बन ना, पांच कार्बन, अंजिया बेटा आप बताएं क्या नाम होगा, अंजिया, जी सहर नाम क्या होगा बेटा इसका, पेंट टू इन, जी पेंट टू इन, पेंट टू इन। अब एक बात जरा बताइएगा, अभी हमने क्लास के स्टार्ट में आइसोमर्स नहीं पढ़ा था क्या, आइसोमर्स पढ़ा था, हमने कहा था कि आइसोमर्स ये होते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट पता कब होगा, जब उनके नाम डिफरेंट होंगे भाई। तो बताओ कि जो आपने एल्कीन बनाया है क्या ये आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C5H10, आप देख सकते हो दोनों में पांच कार्बन और दोनों में दस हाइड्रोजन हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन एक बना रहा है ब्यूट वन इन, दूसरा बना रहा है ब्यूट टू इन, तो इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट है, नाम जो डिफरेंट आ रहा है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा, अरेंजमेंट देखे ना, यहाँ डबल बॉन्ड वन और टू के दरमियान आ रहा है, दूसरे में डबल बॉन्ड टू और थ्री के दरमियान। क्या आप इसको कोई बता सकता है पेंट थ्री इन हो सकता है या नहीं हो सकता है, पेंट थ्री इन क्यों, नो सर, जी बेटा अब जरा देखें
जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि भाई हम एक और आइसोमर डबल बॉन्ड को चेंज करके बना सकते हैं, मैंने ब्रांचिंग नहीं लगाई अभी, डबल बॉन्ड को, और वो ये समझ रहे होंगे यहाँ लगा दें डबल बॉन्ड, ठीक है। आप अगर बेटा यहाँ डबल बॉन्ड लगाते हो ना, तो अब आपको काउंटिंग उस साइड से करनी होगी, अब आपको काउंटिंग इस साइड से करनी होगी जहां से डबल बॉन्ड जल्दी आ रहा है, तो किस साइड से काउंटिंग करनी होगी भाई? फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कार्बन 1, कार्बन 2, 3, 4 एंड 5। तो अगेन दिस इज पेंट टू इन, ये रिपीट हो रहा है भाई, ये पेंट थ्री इन नहीं होगा, ये पेंट टू इन ही है, ठीक है। अब बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ब्रांचिंग वाले भी आइसोमर बन जाएंगे, आप ब्रांच भी बना सकते हैं। 5 कार्बन है ना, आप 4 कार्बन की ब्रांच, 4 कार्बन की चेन लें और 1 कार्बन जो है उसको आप ब्रांच के तौर पर ले सकते हैं। बेटा हम आते हैं इनके पहले रिएक्शंस के ऊपर, आइसोमर्स तो हम साथ साथ करते रहेंगे, रिएक्शंस पर आ जाए भाई। रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स कौन कौन से रिएक्शन देता है? याद रखें एल्कीन्स हाइड्रोकार्बन है ना, तो इट गिव्स कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन देगा। अच्छा, एल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन, एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन भी देता है। और एक है बेटा, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एल्कीन्स गिव एडिशनल पोलीमराइजेशन रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन बेटा हमने करने हैं, आपको ना इतना फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। बताएं जी कोई बच्चा है जो ऑनलाइन है, इसमें से एल्केन्स कितने टाइप के रिएक्शन देता है? एल्केन्स, शाबाश, थ्री कौन कौन से नाम बताएं? सबसे कंबशन क्रैकिंग अच्छा, एल्केन्स भी क्रैकिंग देता है, लेकिन हमारे सिलेबस पे नहीं है। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना लॉन्ग चेन, वो क्रैकिंग दे देते हैं बेटा, तो एल्केन्स भी क्रैकिंग देता है, बस इतना याद रख लें। आप ए लेवल्स में आएंगे तो आपके इसका रिएक्शन भी करवा देंगे कि एल्कीन्स के क्रैकिंग रिएक्शन कैसे हो। हाँ ना, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता इसके साथ, सब्स्टिट्यूशन की जगह एडिशन। बट अब ये बताएं कि एल्केन्स और एल्कीन में रिएक्शन का फर्क क्या है, जो अभी इब्राहिम ने बताया कि एल्केन्स गिव सब्स्टिट्यूशन और एल्कीन्स गिव एडिशन रिएक्शन। तो बट हम एडिशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम आज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एडिशन रिएक्शन। तो अब हेडिंग देंगे बेटा, एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन्स, एडिशन रिएक्शन इन एल्कीन्स। बेटा देखें, आज हमने जो स्टार्ट किया ना एल्कीन से, पहले तो हमने एल्कीन्स कहा होता क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। दूसरी बात, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे। तीसरी बात कि एल्कीन्स जो हैं उनका फिर हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखी और देखा कि एल्कीन को अब नाम कैसे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड जहां से जल्दी आएगा वहां से काउंटिंग करेंगे। चौथी बात बेटा, हमने रिएक्शन ऑफ एल्कीन की बात की भाई, कि एल्कीन्स रिएक्शन कौन कौन से देता है, कंबस्टन रिएक्शन देता है, क्रैकिंग देता है, एडिशन रिएक्शन और एडिशनल पॉलीमराइजेशन। क्रैकिंग सिलेबस में नहीं है, नहीं करेंगे, एल्केन्स की क्रैकिंग है वो हमने कर ली है, एल्केन्स की क्रैकिंग नहीं है हमारे सिलेबस। एडिशन रिएक्शन यहां से स्टार्ट करते हैं कि एल्केन्स में एडिशन करेंगे हम। तो बड़ा सबसे पहला काम हम करते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या लिखा है मैंने, क्या मतलब होगा जी इसका, हाइड्रोजिनेशन? यस, इसका मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन गैस ऐड करोगे एल्कीन में, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में ना, ये जो मैं अभी रिएक्शन लिखूंगा, इसमें क्या कोई कैटलिस्ट यूज होता है? यस, इसमें कैटलिस्ट यूज होता है भाई, जो रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। कैटलिस्ट का क्या नाम है? या आप प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं, पीटी स्टैंड फॉर प्लेटिनम, या बेटा आप इसमें प्लेडियम, पीडी स्टैंड फॉर प्लेडियम, सबसे कॉमन निकल है, निकल याद कर लें कि निकल इज द कैटलिस्ट। अच्छा, अब रिएक्शन कैसे होगा देखिएगा, हीट देनी है ना, नीचे लिखता हूं। इसमें जो रिएक्शन होगा, इसमें जो कंडीशन है वो ये है, हीट करना है आपने,
और साथ में बेटा आपको प्रेशर भी देना होगा हाइड्रोजन गैस के लिए, लेकिन प्रेशर हमारे लिखना लाजमी नहीं, बस अब हीट याद रखें, हीट, ठीक है? आपको हीट करना है और हाइड्रोजन गैस ऐड हो जाएगी किसमें, एल्कीन में। रिएक्शन जरा देखिएगा, ये आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इथीन है ना बेटा, इथीन, मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूं हाइड्रोजन, H2 गैस, H2। बट आपको एक बात बताता हूं, ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये जो डबल बॉन्ड है, दिस इज अननेसेसरी बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज अननेसेसरी बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूल्स की कोशिश पता है क्या होती है, कि वो इस डबल बॉन्ड से जान छुड़ा लें, क्योंकि इस डबल बॉन्ड की वजह से ना मॉलिक्यूल रिएक्टिव हुआ हुआ है भाई। मॉलिक्यूल तो चाहता है मैं लीस्ट रिएक्टिव रहूं, मैं स्टेबल रहूं, इस डबल बॉन्ड ने ना मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर दिया, तो इसलिए किसी भी मॉलिक्यूल की ये कोशिश होगी कि उसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ना हो, वो डबल बॉन्ड को तोड़ना चाहता है, कोई भी स्ट्रक्चर, वो डबल बॉन्ड नहीं चाहता भाई, तमाम मॉलिक्यूल चाहते हैं मेरे साथ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से मॉलिक्यूल रिएक्टिव बन जाता है ना, तो रिएक्टिव चीज तो स्टेबल नहीं होती। तो अब बेटा जब आप इसको निकल कैटलिस्ट दोगे और आप उसको हीट करोगे, तो होगा बेटा ये कि बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गई है, ये बॉन्ड हुआ ब्रेक, और एक हाइड्रोजन यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन पर और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पर जाकर ऐड होगा, ये अल्केन बन गया, यही तो बना है भाई। तभी तो मैंने कहा था कि आप घी से ऑयल, जो ऑयल से घी बनता है वो इसी तरह बनता है। अब बेटा ये आपने अल्केन जो बनाया है, ये एक एच इधर और एक एच इधर, इसको आप कहते हैं ईथेन, इसको आप कहते हैं ईथीन। देखें, एक तो आपने कन्वर्जन आज सीख ली है, वो क्या कि किसी भी अनसेचुरेटेड, किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भेजने का क्या तरीका है, कि आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो, है ना, अगर आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है आपका हाइड्रोजनेशन। अच्छा, अब एक रिएक्शन आप करेंगे जरा, ये जी आपके पास ब्यूट वन इन, जरा ब्यूट वन इन का रिएक्शन करें, ब्यूट वन इन में ना, ब्यूट वन इन में हाइड्रोजिनेशन करें, शाबाश, और इसका पूरा केमिकल रिएक्शन लिखें, फिर मैं भी लिखता हूँ, कंडीशन भी लिखिए, कैटलिस्ट भी लिखिए बेटा। हाँ जी बेटा, हो गया, अब देखिए जी, ब्यूट वन इन है, ब्यूट वन इन CH3। अच्छा इस तरह करते हैं, स्ट्रक्चर इस तरह बनाया करें बेटा, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका भी देख लें, ब्यूट है ना, सबसे पहले चार कार्बन ड्रॉ करें, 1 2 3 4, फिर वन इन है, वन इन का मतलब है कार्बन नंबर वन पर डबल, अब पता क्या करें, हाइड्रोजन पूरे कर दें, एक और दो, यहां पर एक, यहां पर ये दो हाइड्रोजन, यस,
कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये बेटा आपके पास। अब अगर आप बेटा इसमें हाइड्रोजनेशन चाहते हैं, इसमें अगर आप हाइड्रोजनेशन चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड हीट, बेटा बताइए रिएक्शन किधर होगा? कार्बन 1, 2 में, 2, 3 में या 3, 4 में? कहाँ रिएक्शन होगा? क्यों 1, 2 में क्यों रिएक्शन होगा? इसलिए बेटा 1, 2 में रिएक्शन होगा क्योंकि ये रिएक्टिव पार्ट है ना, डबल बॉन्ड इधर है, तो जहां डबल बॉन्ड होगा वहां रिएक्शन होगा। तो अब हाइड्रोजनेशन करानी है, एक हाइड्रोजन को एक कार्बन पर, दूसरे हाइड्रोजन को दूसरे कार्बन पर, यहां से पाई बॉन्ड तोड़ोगे, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, अब आपके पास बेटा ब्यूटेन बन जाएगा। 1, 2, 3 और ये 4, देखना जरा जो नए हाइड्रोजन ऐड होंगे वो मैं रेड कलर से शो करता हूं, जो नए हाइड्रोजन इसमें ऐड होने जा रहे हैं। एक हाइड्रोजन मिसिंग है अभी, ये देखिए बेटा ये बन गया ब्यूटेन, ये है ब्यूट 1-ईन। अब इसकी जरा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी देख लेते हैं कि इंडस्ट्री में ये रिएक्शन यूज किधर होता है, कहां यूज होता है भाई? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मैन्युफैक्चर ऑफ मार्जरीन। यस शाबाश, मैन्युफैक्चर ऑफ मार्जरीन। ये ऑयल होगा, ऑयल इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपके पास मार्जरीन बनेगा, जिसको लोग बटर बोल रहे होते हैं। ब्लू बैंड मक्खन होता है क्या? क्या ब्लू बैंड जो है बेटा क्या होता है? वो मक्खन नहीं होता, वो मार्जरीन होता है। वो मक्खन नहीं होता, वो मार्जरीन है, वो वेजिटेबल फैट होती है। जरा पढ़ना किसका मार्जरीन फैट है, तो कार्बन चेन है, तो जितनी मर्जी लंबी करती जाओ। ये तो बेटा बहुत इसका लंबा फॉर्मूला होगा, आप नेट पे देखो। आपको फैट, फैट बहुत टाइप्स की होती है ना, एक फैट तो नहीं होती, एनिमल फैट लेदर है, और जो वेजिटेबल फैट है ना बेटा, ये आपको कुछ पता होना चाहिए अपने खाने के बारे में भी, कि जो वेजिटेबल फैट होती है ना ये इतनी नुकसानदेह नहीं होती। तो मार्जरीन इज द वेजिटेबल फैट, जो आप ब्लू बैंड खाते हैं ये वेजिटेबल फैट है, ये ठीक होती है फिर भी, लेकिन जो एनिमल फैट है वो बहुत खतरनाक होती है आपके लिए, ठीक है, सेहत के लिए। तो ये जी आपका इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ऑयल के अंदर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वेजिटेबल घी या मार्जरीन बनेगा। तो आज की क्लास में बेटा इतने ही रखते हैं, इंशाल्लाह कल हम एल्कीन्स के फर्दर रिएक्शन पढ़ेंगे। और बेटा जिन बच्चों की क्लासेस मिस हुई है ना, सिर्फ 5 क्लासेस हैं इससे पहले, तो काइंडली मुझे आप मैसेज करेंगे तो मैं एक एक करके रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और दूसरी बात, मैंने टॉपिकल्स भी सेंड किए हैं ग्रुप में, अभी हमारा बस एल्कीन्स खत्म हो जाए फिर हम टॉपिकल्स स्टार्ट करेंगे करना, ठीक है बेटा? आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज़।